नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश के मेले और त्यौहार। ये आपका एचपी जीके सीरीज का 12th लेक्चर है। इसमें मैं आपको हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले और त्यौहार बताऊंगा और हम उन्हें डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे ताकि हमें याद करने में ईजी रहे। चले आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मेले। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है कुल्लू दशहरा। इसको स्टार्ट किया गया था राजा जगत सिंह द्वारा और कब किया गया था, 1651 में। ये आपका मेला जो लगता है वो ढालपुर मैदान में लगता है कुल्लू के, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। जो आपकी इसमें मेन डाइटी है वो है रघुनाथ जी। आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है कि रघुनाथ जी की मूर्ति को अयोध्या से कुल्लू कौन लेके आया, तो आपका आंसर होगा दामोदर दास। मैं लिख देता हूँ दामोदर दास, ये आपकी रघुनाथ जी की मूर्ति को अयोध्या से कुल्लू लेके आए थे। और ये आपका मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, तो आपका इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड है आपका डुंगरी मेला। ये आपका हडिम्बा देवी को समर्पित है। जो आपकी हडिम्बा थी वो भीम की वाइफ थी, और जो आपका हडिम्बा टेम्पल है मनाली में, वहीं पर ये मेला लगता है, आपका डुंगरी मेला। और कौन से महीने में लगता है, ये आपका मई के महीने में लगता है मेला। अब हम अपने नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। जो हमारा अगला जिला है वो है मंडी। मंडी में आपका शिवरात्रि फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। इसको आपका स्टार्ट किया गया था राजा अजमेर सिंह द्वारा। जो आपके राजा अजमेर सिंह थे उन्होंने आपके मंडी शहर की स्थापना भी की थी, और ये मेला आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। 7 दिन के लिए लगता है आपका पडल मैदान पे, और ये आपका मेला स्टार्ट हुआ था 1526 में। जो आपकी इसकी मेन डाइटी है वो है माधोराव। फिर आपका छेछू मेला, ये आपका रिवाल्सर में लगता है। रिवाल्सर आपका इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ बौद्ध सिख और हिंदुओं के धर्मस्थल है। थर्ड है आपका शीतला देवी मेला, ये आपका सुंदरनगर में लगता है। जो हमारा अगला जिला है वो है चंबा। चंबा में आपका मिंजर मेला इंपॉर्टेंट है। इसको आपका स्टार्ट किया गया था साहिल वर्मन द्वारा। साहिल वर्मन ने आपके चंबा शहर की स्थापना भी की थी। इस मेले में आपकी जो पूजा की जाती है वो वरुण देव की जाती है, और ये मेला भी आपका 7 दिन के लिए लगता है। ये आपका जो चंबा है उसके चौगान मैदान पर लगता है, और ये आपका अगस्त के महीने में लगता है। तो ये मेला आपका अगस्त के महीने में लगता है, मिंजर मेला। ये भी आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। सेकंड है आपका सुई मेला। ये आपका जो चंबा की रानी थी नैना देवी, उनके बलिदान के याद में रखा जाता है। इसमें आपका जो महिलाएं होती हैं और बच्चे होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, और ये मेला आपका अप्रैल के महीने में लगता है। थर्ड है आपका नवाला मेला। इसको आपका गद्दी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जो आपकी गद्दी जनजाति है वो मुख्य चंबा में ही पाई जाती है, तो ये इसमें आपकी शिव जी की पूजा की जाती है, जो ये नवाला मेला है। जो हमारा अगला जिला है वो है शिमला। शिमला में आपका इंपॉर्टेंट मेला है लवी मेला। इसको आपका स्टार्ट किया गया था राजा कैरी सिंह द्वारा, और ये मेला आपका जो आपका तिब्बत और किन्नौर था उनके बीच में जो पुराने समय में व्यापार होता था उसका परिणाम था। ये आपका नवंबर के महीने में लगता है, और ये शिमला के रामपुर में लगता है आपका मेला, लवी मेला, और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला भी है। ये भी आपका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। फिर आपका सेकंड है पत्थर का खेल, ये आपका हलोग में होता है। फिर थर्ड है आपका फाग मेला, ये शिमला के रामपुर में होता है। और फोर्थ है सिप्पी मेला, और फिफ्थ है शांद मेला। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दी है जो आपको पता होनी चाहिए, बाकी जो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ वो आपको पता होना चाहिए कि बस किस डिस्ट्रिक्ट में वो मेला होता है। चलिए हम अपनी अगली डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं बिलासपुर ज़िले को। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट मेला है वो है नलवाड़ी मेला। इसको आपके स्टार्ट किया गया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा, और ये एक आपका पशु मेला है। जो आपके डब्ल्यू गोल्डस्टीन थे इन्होंने 1889 में इस मेले को स्टार्ट किया था, और ये आपके बिलासपुर के लूणू मैदान पे लगता है। सेकंड है आपका नैना देवी मेला, और थर्ड है आपका गुग्गा मेला, और फोर्थ है मारकंडा मेला। तो ये चार मेले आपके बिलासपुर में इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है रेणुका मेला। ये आपका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है जो आपका दिवाली के 10 दिन बाद लगता है, और ये मेला आपका लगता है नवंबर के महीने में, और ये पूरे 6 दिन चलता है आपका रेणुका मेला। सेकंड है आपका त्रिलोकपुर मेला। ये आपका जो त्रिलोकपुर टेम्पल है आपका सिरमौर में, वहीं पर लगता है, और ये आपका माता बाला सुंदरी को समर्पित है ये मेला। फिर हम देखते हैं सोलन जिले को। इसमें आपका इंपॉर्टेंट है सारही या मेला। ये जो आपका मेला है वो भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, और ये आपके सोलन के आर्की जो जगह है वहाँ पर लगता है।
सेकंड है आपका शूलिनी मेला, जो आपका सोलन शहर है उसका नाम भी शूलिनी माता के नाम पे ही पड़ा है, तो आपका सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वो है शूलिनी मेला। अब हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, इसमें जो आपका पहला है वो है होली त्यौहार, ये आपका सुजानपुर टेरा में लगता है हमीरपुर के, और इसको स्टार्ट किया गया था राजा संसार चंद द्वारा, और ये आपका त्यौहार ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का त्यौहार है। सेकंड है आपका द्योटसिद्ध मेला और थर्ड है आपका गसौता मेला। अब हम ऊना डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, इसमें आपका चिंतपूर्णी मेला, पिपलू मेला और बड़भाग सिंह मेला। जो आपको इस पर पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि मेले कहाँ लगते हैं, और इसको याद करने के लिए कोई ऐसी ट्रिक ट्रुक है नहीं, बस आप सिंपल सी बात है, जैसे आपका चिंतपूर्णी माता का टेंपल ऊना में है तो उसका मेला जो लगेगा वो ऊना में लगेगा। तो कुछ कुछ आपके स्टेट क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपका ज्वालामुखी मेला हो गया जो कांगड़ा में लगता है, तो आपका जो अगर आपको पता होगा कि ज्वालामुखी टेम्पल आपका कांगड़ा में है तो आप इजीली कर सकते हैं, बाकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें मैंने आपको बता दिए डिटेल्स कि आपको क्या पता होना चाहिए। तो आपका जो ऊना था उसमें इम्पॉर्टेंट है चिंतपूर्णी मेला, पिपलू मेला और बड़भाग सिंह मेला। हम अपनी नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, वो है कांगड़ा। कांगड़ा में जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है डल मेला, ज्वालामुखी मेला, नागदी मेला और कालेश्वर मेला। तो ये चार मेले आपके कांगड़ा में इम्पोर्टेंट है। अब हम लाहौल स्पीति के फेयर एंड फेस्टिवल देखते हैं, इसमें जो आपका पहला है वो है लदारचा मेला, सेकंड है आपका पौरी मेला। जो आपका पौरी मेला है वो त्रिलोकीनाथ मंदिर में लगता है जो आपके लाहौल स्पीति के उदयपुर में स्थित है। थर्ड है आपका हल्दा फेस्टिवल, आपका हल्दा फेस्टिवल जो लाहौल स्पीति के लोग हैं उनके लिए दिवाली की तरह है, ये वो इन्हें दिवाली की तरह सेलिब्रेट करते हैं इस हल्दा फेस्टिवल को। फोर्थ है आपका सिसु मेला, सिसु मेला आपका जो लाहौल स्पीति के बुद्धिस्ट लोग हैं बौद्ध लोग हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। और फिफ्थ है आपका फागली मेला। ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल थे आपके लाहौल एंड स्पीति के। अब हम किन्नौर के देखते हैं, किन्नौर में जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है लोसर फेस्टिवल यानी लोसर उत्सव। यह आपका नववर्ष का जब आगमन होता है जब नया साल स्टार्ट होता है तब मनाया जाता है जो किन्नौर के लोग होते हैं उनके द्वारा। तो लोसर फेस्टिवल ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। और सेकंड आपका फुलेच उत्सव, इसको आपका उख्यांग भी कहते हैं जो आपके किन्नौर के लोग हैं। तो सेकंड आपका फुलेच फेस्टिवल। तो ये आपके सारे इम्पॉर्टेंट मेले और त्यौहार थे हिमाचल प्रदेश के। आपका अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इन्हीं में से कुछ आ सकता है, मैंने आपको सारे इम्पोर्टेंट बता दिए। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।